हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने जो जीविका में भर्ती निकली हुई है उससे रिगार्डिंग एक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो है उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भर्ती से रिगार्डिंग है, सभी डिटेल उसमें दिया गया है। उसमें एक ही डिटेल नहीं दिया गया है कि किस जो मतलब कि जो पोजीशन है यानी जो जॉब है उसका कौन सा जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किया चाहिए उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सभी पोस्ट को मैंने देखने को तो समझा दिया था यहाँ पे, मतलब कि समझा दिया था कि आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि 36 प्रकार के पोस्ट है इसमें, ठीक है। 36 प्रकार के पोस्ट है और कुछ ही ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा इसमें मतलब कवर किया हुआ है, 90% से ऊपर जो है कवर किया हुआ है, जो कि आपको ग्रेजुएशन का ही पोस्ट मिल जाएगा 90% से ऊपर जो सीट कवर किया हुआ है, ठीक है। नीचे सबसे नीचे में आइएगा, जो ब्लॉक लेवल का पोस्ट है उसमें आपको मांग रहा है, ठीक है, ग्रेजुएट का। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो कि आपको मैट्रिक और जो ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं कौन कौन से पोस्ट को वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, तो जो यहाँ से ब्लॉक लेवल का जो है यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसी में आपको नीचे आइएगा तो ये सब यहाँ से देख सकते हैं। जो 32 नंबर का पोस्ट है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, यहाँ से आपको ग्रेजुएट का जो है वैकेंसी स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रेजुएट और मैट्रिक का कुछ जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी है, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 271 पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पे देख सकते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पोस्ट का नाम याद कर लीजिएगा, 271 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेजुएट आपको एग्रीकल्चर में है या फिर एनिमल हस्बेंड्री में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, फिशरी में है, हॉर्टिकल्चर में है, ठीक है। आपको जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितना भी काम है अगर उसमें आपने ग्रेजुएट का डिग्री हासिल किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। आगे देख लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर में आपको 474 पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए एनी डिसिप्लिन विथ 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी द्वारा आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अकाउंटेंट, जो ब्लॉक लेवल का अकाउंटेंट का पोस्ट है उसमें भी आपको ग्रेजुएशन का डिग्री वाला पोस्ट इसमें है, जिसका टोटल पोस्ट 300 प्लस है, ठीक है। तो 300 पोस्ट है इसमें, आपको यहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में ग्रेजुएट का डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है जिसमें 306 पोस्ट है, ठीक है, 306 पोस्ट है, इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, और मिनिमम 1 साल का आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कहने का मतलब है जिस भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन फाइनल किया है उस डिसिप्लिन में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बस यही इसके कहने का मतलब है सभी पोस्ट का। लास्ट जो पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिल जाएगा 1882, जो कि आपको मेरे हिसाब से 70% के आसपास जो सीट कवर किया हुआ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ओके। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको आपको मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ SHG प्रोग्राम विल बी प्रीफर्ड, यानी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जो SHG प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं पहले। वैसे मैं आपको बता दूं कि SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कि वित्तीय संगठन होता है यानी फाइनेंशियल ग्रुप होता है, छोटा मोटा जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए बनाया जाता है, गांव में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो महिलाएं ग्रुप बनाते हैं उसी को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है अगर वो लोग उसमें ज्वाइन कर लें, 1 साल का एक्सपीरियंस है उन लोगों का, तो यहाँ पे ज़्यादा उन लोगों को प्रीफर किया जाएगा। वैसे अप्लाई सभी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा उन लोगों को प्रीफर किया जाएगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पर काम कर चुके हैं, साल भर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये रहा आपको ग्रेजुएशन और मैट्रिक का जो है, आपको जो लोग हैं कैंडिडेट हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो हमें इसमें इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं और जो मैट्रिक वाले फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोग को क्लियर हो जाए कि उन लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूँ, तो मैंने ये किया, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही आपको अपडेट देना था, और इस भर्ती से रिगार्डिंग कुछ भी अभी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।